कैसे आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूँ निक्की गुप्ता और मेरी किचन यानी कि निक्स किचन ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए ये होली स्पेशल रेसिपी। जी हाँ, ये है मालपुआ की रेसिपी। जैसा कि आप लोग इमेज में देख रहे हैं, ये मालपुआ है और ये बना है केले से और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। इसमें खोया या मावा की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास खोया या मावा नहीं है तो आप केला से मालपुआ बना सकते हैं और वो भी बहुत ही टेस्टी। तो इस होली इस मालपुआ को आप जरूर ट्राई करें। तो दिख रहा है ना, एकदम लजीज और बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही सॉफ्ट। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे 2 पका हुआ केला, 1/4 कप सूजी, 1 कटोरी मलाई, 1.5 कप हम लेंगे मैदा। आप इसके जगह पे आटा भी यूज कर सकते हैं, यानी जितना आप मैदा लीजिएगा उसका 1/4 भाग सूजी लेना है। फिर मैंने लिया है कुटी हुई इलायची। आप चाहे तो इलायची पाउडर भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने काजू को इस तरह से काट के रख लिया है। थोड़ा सा बादाम को भी मैंने इस शेप में काट के रख लिया है। 1/2 चम्मच लिया है मैंने नमक। नमक टोटल ऑप्शनल है, ये मीठा को थोड़ा बैलेंस करता है। मुझे मीठा ज्यादा पसंद नहीं है। अगर आपको मीठा पसंद है तो आप नमक को स्किप कर सकते हैं। 1 कप हम लेंगे दूध, ये फुल क्रीम वाला दूध है। और 300 ग्राम मैंने लिया है चीनी। तो चलिए फिर फटाफट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चाशनी तैयार कर लेंगे। तो चाशनी बनाने के लिए हम लेंगे एक बर्तन और उसमें डाल देंगे चीनी। और जितना आप चीनी डाले हैं उतना ही आपको पानी भी डालना है। जैसे काला वाला यानी कि गुलाब जामुन वाले रसगुल्ले में चाशनी तैयार करते हैं, वैसा ही आपको चाशनी तैयार करना है। और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब तक चाशनी रेडी हो रहा है तब तक हम बैटर तैयार कर लेते हैं। तो केले के छिलकों को हम उतार लेंगे। आप चाहे तो ओवर राइप यानी कि बहुत ज्यादा पके हुए केले से भी बना सकते हैं। ये ज्यादा पका हुआ नहीं है तो इसे हम कट करके डाल लेंगे। आप चाहे तो इसे हाथों से तोड़ के भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से छिलके को अच्छे से उतार लेना है। तो इस तरह से अच्छे से छिलका उतार कर आपको केले को कट कर लेना है। तो मेरा केला ओवर राइप नहीं है। आप चाहे तो ओवर राइप यानी कि ज्यादा पका हुआ केला भी ले सकते हैं। इसे हम इस फॉर्क की सहायता से मैश करेंगे। आप चाहे तो पोटैटो मैशर से भी मैश कर सकते हैं। तो अगर आपका केला ज्यादा पका हुआ है तो वो फॉर्क की सहायता से आसानी से मैश हो जाता है। बट मेरा केला ओवर राइप नहीं है यानी ज्यादा पका हुआ नहीं है। तो इसे मैं पहले फॉर्क की सहायता से इस तरह से मैश कर लूंगी। आप देख रहे हैं ये मैश हो गया अच्छे से, बट फिर भी इसमें लम्स रह जाता है। तो इसे एक बार मिक्सी ग्राइंडर में डाल के पीस ले। फिर हम इसमें डालेंगे मैदा, सूजी, मलाई। मलाई से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है तो इसे स्किप ना करें। इलायची पाउडर, 1/2 इलायची पाउडर मैंने अभी डाला है और 1/2 मैं डालूंगी चाशनी में। 1/4 टीस्पून नमक। आप चाहे तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं, बट मुझे ड्राई फ्रूट इसमें पसंद नहीं है इसलिए मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। फिर हम इसमें डालेंगे दूध। दूध को आपको थोड़ा थोड़ा डालकर और बैटर तैयार करना है। एक बार में ही सारे दूध को नहीं डालना है। इस तरह थोड़ा थोड़ा दूध डालें और मिक्स करते जाएं। तो इस तरह से इसे मिक्स कर लेना है। फिर हम थोड़ा दूध डालेंगे। एक बार में अगर आप ज्यादा दूध डाल देते हैं तो इससे बैटर लूज हो जाएगा। तो आपको थोड़ा थोड़ा ही दूध डालना है और मिलाते जाना है बैटर को इस तरह से। तो मैंने यहाँ पर 1 कप दूध लिया था फुल क्रीम वाला। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो इस तरह से आपको मिक्स करते जाना है। तो आप देख रहे हैं केला अच्छे से मैश नहीं हो पाया है हमारा, क्योंकि ये ओवर राइप नहीं था। अगर आपका ओवर राइप केला
है, फिर भी इसे एक बार मिक्सर ग्राइंडर में डाल के पीस ले ताकि एक स्मूथ पेस्ट बन जाए। और जब तक आपका स्मूथ पेस्ट नहीं बनेगा तब तक मालपुआ जो है वो अच्छा नहीं बनेगा। इसमें केला का टुकड़ा दिख रहा है, तो अब मैं इसे मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेती हूँ। आप देख सकते हैं इसका कितना स्मूथ पेस्ट तैयार हुआ है और इसका बैटर काला भी नहीं हुआ है। इस स्टेज पे अगर आप इसे पीसते हैं तो आपका बैटर काला नहीं होगा और मालपुआ जो है वो बहुत ही अच्छा दिखेगा। तो एक कप में इतना दूध बच गया है मेरा, तो इसे ढक के 10 मिनट के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो चाशनी को पकते हुए 15 से 20 मिनट हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे इलायची पाउडर। अगर आपको केसर पसंद है तो आप यहाँ पर केसर के कुछ धागे ऐड कर सकते हैं। मुझे केसर का फ्लेवर पसंद नहीं है, इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पर इलायची पाउडर यूज किया है। इसे 5 से 10 मिनट तक हम ऐसे ही पकने देंगे ताकि इलायची का फ्लेवर अच्छे से चाशनी में आ जाए। तो इसे तार वाला चाशनी नहीं तैयार करना है। तो इस तरह से आप चेक कर लेंगे 10 मिनट के बाद, तो आप देख रहे हैं ना थोड़ा सा चिपचिपापन बस है इसमें। तो आपका चाशनी रेडी हो गया है। अब हम गैस के फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इसे हम ढककर साइड में रख देंगे। फिर लेंगे हम एक पैन। अगर आपके पास कोई कढ़ाई है, चाहे वो लोहा का कढ़ाई है या नॉन स्टिक, आप कोई भी कढ़ाई यूज कर सकते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे रिफाइन ऑयल। आप चाहे तो यहाँ पर घी भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको पतला मालपुआ चाहिए तो आप जो भी पैन ले रहे हैं या कढ़ाई ले रहे हैं उससे 1 इंच ज्यादा ही ऑयल आपको डालना है। अगर आप ज्यादा ऑयल डाल देते हैं तो मालपुआ आपका फिर मोटा मोटा बनेगा। तो आप देख सकते हैं इसका बैटर भी रेडी हो गया है। तो इसका कंसिस्टेंसी इस तरह का होना चाहिए, हल्का हल्का रिबन बनना चाहिए, तो आपका परफेक्ट मालपुआ बनेगा। अगर आपको और पतला मालपुआ चाहिए तो आप इसे और लूज कर सकते हैं। अगर आपको मोटा मालपुआ चाहिए तो गाढ़ा ही रखिए। तो इस तरह से हम लेंगे और डालते जाएंगे। तेल हमारा बिल्कुल गर्म है, यहाँ पर हम फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे और इस तरह से डालते जाएंगे। मैंने एक बार में 4 डाला है। अगर आपका कढ़ाई बड़ा है या छोटा है उसके अनुसार आप कम या ज्यादा डाल सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके मैंने डाला है। अगर आपको बड़ा साइज बनाना है तो बड़ा भी बना सकते हैं, छोटा साइज बनाना है तो छोटा भी बना सकते हैं। फिर इसे इस तरह से अलग कर देंगे ताकि आपस में चिपके नहीं। फिर इस तरह से लेंगे हम रोटी पकाने वाला चिमटा और उसे पलट देंगे। इससे ये आसानी से पलट जाता है। तो आप देख रहे हैं ना कितना आसानी से पक रहा है। तो इसे इस तरह से हम लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। चिमटा से पकड़ के पलटने में काफी इजी होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर चिमटा यूज किया है। आप चाहे तो छनौटा से ही पलट सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आ गया। अब हम इसे इस तरह से दबा दबा कर पकाएंगे ताकि अंदर तक पूरा फ्लफी बने और चाशनी को पूरा सोख ले अपने अंदर। तो इस तरह से आपको दबा दबा कर इसे पकाना है ताकि अंदर से ये अच्छे से पक भी जाए और फ्लफी बने। तो आप देख रहे हैं ना कितना अच्छा कलर आया है, आ गया ना मुंह में पानी, एकदम परफेक्ट कलर आया है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे और डालेंगे चाशनी में। ध्यान रखिए चाशनी आपका थोड़ा गर्म होना चाहिए। तो इस तरह से हम इसे चाशनी में डाल देंगे। तो एकदम परफेक्ट कलर आया है। तो इस तरह से आप जरूर ट्राई करें। तो इस तरह से हम निकालते जाएंगे और चाशनी में डालते जाएंगे। देख रहे हैं ना कितना टेस्टी दिख रहा है। तो इस तरह से इसे घुमा देंगे ताकि हर तरफ से चाशनी में डूब जाइए और अंदर तक चाशनी जाए। और इसे ढक के रख देंगे हम। फिर से हम इसी तरह से सारा बैटर को बना लेंगे, यानी कि सारा मालपुआ बना लेंगे। और जैसे ही बनते जाएगा आपका मालपुआ, निकाल निकाल के उसे चाशनी में डालते जाना है और इसे आधा घंटा के लिए ऐसे ही चाशनी में डुबो के रखना है। उसके बाद इसे
सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इस होली में ये केला का मालपुआ आप एक बार जरूर ट्राई करके देखें, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देख रहे हैं ना कितना अच्छा कलर आया है। तो इस तरह से इसे भी मैंने चाशनी में डाल दिया है। तो आ गया ना मुंह में पानी, एकदम परफेक्ट बना है। आप देख सकते हैं कलर कितना अच्छा आया है, बहुत ही सॉफ्ट बना है। ये मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। तो इसे चाशनी में डालकर आप 2 से 3 घंटा के लिए भी छोड़ सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अगर आप आधा घंटा के लिए छोड़ते हैं तो थोड़ा कम मीठा होगा, और ज्यादा देर के लिए छोड़ते हैं तो थोड़ा ज्यादा मीठा होगा। अब आपको कितना मीठा खाना है आप उसके अनुसार इसे चाशनी में डुबोकर छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से हम सर्व कर लेंगे और इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा चाशनी। अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद है तो आप ज्यादा चाशनी भी ले सकते हैं। और इसके ऊपर से हम डालेंगे कटा हुआ बादाम और कटी हुई काजू। आप चाहे तो यहाँ पर पिस्ता भी ऐड कर सकते हैं। तो रेडी हो गया है सर्व करने के लिए, बहुत ही टेस्टी बनकर आया है और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही यम्मी बना है और एकदम परफेक्ट कलर आया है। तो मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ ये कितना सॉफ्ट बना है। तो आप देख सकते हैं ये कितना पतला और सॉफ्ट बना है और चाशनी अंदर तक एकदम पी लिया है इसके। तो इसी तरह से आप एक बार जरूर ट्राई करें, और इस होली में या फिर बर्थडे पार्टी हो या कोई भी ओकेजन हो, इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। तो अगर आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आया है तो इसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले, और बेल आइकन को हिट करना भी ना भूले ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।